हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के पांच सबसे खतरनाक ग्रह के बारे में। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या हो अगर धरती पर पत्थरों की बारिश होने लगे? क्या हो अगर धरती पर शीशे की बारिश होने लगे? क्या हो अगर धरती पर सतह की जगह सिर्फ पानी ही पानी हो? सुनने में हमें ये बातें भले ही काल्पनिक लगती हो, लेकिन ये काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत है। ऐसा नहीं है कि अगर ये चीजें धरती पर नहीं होती तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो सकती। ब्रह्मांड बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ हर पल ऐसी अद्भुत चीजें होती है जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यह चीजें इतनी खतरनाक है कि अगर ऐसा धरती पर हो तो यहाँ से सारा जीवन ही खत्म हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मांड में धरती जैसी कोई जगह नहीं। आज हम आपको ब्रह्मांड में पांच ऐसे खतरनाक ग्रहों के बारे में बताएंगे जहाँ आप कभी भी नहीं जाना चाहेंगे। नंबर वन, इस ग्रह का नाम है GJ1214b। हमारी धरती से 1% पानी से घिरी हुई है, पर यूनिवर्स में एक बहुत ही अजीब तरह का ग्रह है जो कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा है और इसमें पानी के समुद्र भी है। पर यहाँ एक समस्या है कि इस ग्रह का 100% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, यानी कि यहाँ पर धरती की तरह सतह नहीं है। यहाँ धरती के समुद्र ज्यादा से ज्यादा 11 किलोमीटर तक ही गहरे हैं, पर GJ1214b नाम के इस ग्रह में समुद्र सैकड़ों किलोमीटर गहरे हैं। यह ग्रह हमारी धरती से 42 लाइट ईयर्स दूर है। इतने गहरे समुद्र होने के कारण समुद्र के निचले हिस्से में दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि वहाँ पर पानी एक अलग तरह के बर्फ का रूप ले लेता है। इससे आइस सात कहा जाता है। यह बर्फ पृथ्वी पर मिलने वाले बर्फ की तरह नहीं होता। आइस सात नॉर्मल बर्फ की तरह ठोस होता है, पर यह ठंडा नहीं होता, यानी बहुत ही गर्म होता है, और यह बर्फ पृथ्वी में नेचुरली कहीं नहीं मिलता। नंबर दो पर आता है Kepler-16b। यहाँ दिन में अगर हम किसी चीज को देखें तो हमें उसकी शैडो यानी कि परछाई दिखाई देती है। धरती पर हमें एक ऑब्जेक्ट की एक ही परछाई दिखाई देती है क्योंकि हमारे पृथ्वी में लाइट सोर्स सिर्फ एक ही है, जिसे हम सूर्य कहते हैं। पर उन ग्रहों का क्या जो बाइनरी स्टार सिस्टम का चक्कर काटते हैं? बाइनरी स्टार सिस्टम में ज्यादातर यह देखा गया है कि ग्रह उनमें से किसी एक स्पेसिफिक स्टार का चक्कर लगाते है। पर Kepler-16b नाम के ग्रह का केस अलग है। यह प्लेनेट 2 स्टार का एक बार में चक्कर लगाता है। अगर आप इस ग्रह पर खड़े हो तो आप यह देखेंगे कि जमीन पर आपकी दो परछाइयां पड़ रही है, और जिन ग्रहों पर दो से ज्यादा स्टार्स होंगे वहां पर परछाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। नंबर 3 पर आता है Corot-7b। पृथ्वी पर बारिश के समय पानी बरसता है जिससे यह जनजीवन कायम है, लेकिन क्या हो अगर पानी की जगह धरती पर पत्थर बरसने लगे? आपको यह सिर्फ एक चोट लगेगा, लेकिन Corot-7b नाम के प्लेनेट में ऐसा ही होता है। यह प्लेनेट अपने स्टार के काफी करीब है और टाइडली लॉकेट है। टाइडली लॉकेट हम उसे कहते हैं जिसमें ग्रह एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहे और दूसरा हिस्सा हमेशा सूरज के ऑपोजिट रहे। यहाँ बता दें कि हमारा चांद भी टाइडली लॉकेट है और हम हमेशा चांद का एक ही हिस्सा देखते हैं, दूसरी तरफ का हिस्सा हमें कभी दिखाई नहीं देता। इसी वजह से Corot-7b नाम के ग्रह का एक हिस्सा हमेशा सूरज की तरफ रहता है। वहाँ का तापमान हमेशा 2600 डिग्री सेल्सियस रहता है, वही दूसरी तरफ का तापमान 177 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्म वाले साइड में गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि इस साइड के पत्थर पिघलकर बाप बन जाते हैं और उसी बाप से वहाँ बादल बनता है। इसके बाद वही पत्थर लिक्विड बनकर वहाँ बरस जाते हैं, पर आधे रास्ते में ठंडे साइड की ठंडी हवा गर्म साइड पहुंचकर इन लिक्विड पत्थर को स्लॉइड कर देती है, इसलिए वहाँ पत्थर की बारिश होती है और यह प्लेनेट जागता नर्क के समान। नंबर 4 पर आता है 1897-33b। एक ग्रह अपने अजीब मौसम की वजह से जाना जाता है। HD-1897-33b नाम का एक प्लेनेट जो हमसे 63 लाइट ईयर्स दूर है। यह काफी सुंदर और जुपिटर से थोड़ा बड़ा है, पर यह अपनी सुंदरता के पीछे एक राज छुपा कर रखा है। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर ज्यादातर सिलिकेट से बना है। इस ग्रह में हवा 8000 प्रति घंटा की गति से चलती है और यहाँ का तापमान 930 डिग्री सेल्सियस है। पर अजीब भीड़ बना यह है कि इसके एटमॉस्फेयर का सिलिकेट गर्म तापमान के चपेट में आते ही कांच का रूप ले लेता है। यह ग्रह भी अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, पर इस प्लेनेट का डार्क साइड ठंडा रहने की वजह हमेशा गर्म ही रहता है, जहाँ का तापमान 680 डिग्री सेल्सियस होता है। पर यह चमत्कार होता कैसे है? इसका जवाब है कि गर्म साइड की हवा ठंडे साइड में चल दी जाती है, इसी कारण उस प्लेनेट का डार्क साइड भी ठंडा नहीं रह पाता और इस ग्रह पर मैक्सिमम 34,000 प्रति घंटा किमी गति से हवा चल चुकी है। वही धरती पर मैक्सिमम आज तक 484 किमी प्रति घंटा गति से हवा चल रही है। नंबर 5 पर आता है टिटेन मून। शनि ग्रह के चांद टाइटन पर खुद का एटमॉस्फेयर नदी और झील भी है, वही यहाँ पर लिक्विड भी बरसता है। पर अजीब जगह है, यहाँ पर तापमान -179 डिग्री सेल्सियस है। इस चांद पर पानी के अंश तो पत्थर की तरह जमे है, पर यहाँ की नदियों और झीलों में मीथेन मिलता है। यही नहीं, यहाँ बारिश भी पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है। हम जानते हैं कि मीथेन नेचुरल गैस का एक बड़ा कंपोनेंट है और पूरे टाइटन में इतना मीथेन हो सकता है कि उतना पृथ्वी पर भी न हो। वैज्ञानिक टाइटन मून पर कई सारे यान भविष्य में भेजने वाले हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि इस चांद पर भी जीवन हो सकता है। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।